गुरु नत्वा प्रविष्टा रंधा रंधा नाले प्रविष्टा सके। रसोई घर में प्रविष्ट करती हैं किशोरी जी राधा जसोदा जी को प्रणाम करके रसवती, और रसमयी प्रिया जी रंधन करना प्रारंभ करती। रसवती रंधन प्रक्रिया कुर्वती रसभाग श्री कृष्णं प्रति रसभाग कटाक्षादि विस्तारयति शक्तिना। रसोई करते समय प्रिया जी इधर उधर देखती हैं, क्या देखती हैं तो कहते हैं कृष्णा श्री कृष्ण प्रति रसभाग कटाक्षादिकं विस्तारयति, अपने कटाक्ष के द्वारे प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं। दर्शन करते समय माम सुख सागरे समीज स्थिति सखी मंजरियां कहती हैं कि जब वह दृश्य दर्शन करती हैं तुलसी मंजरी इत्यादि तो वे रस में शराब हो जाती। यही तुलसी मंजरी प्रार्थना करती है, हे प्रियजू हाय वह समय कब आएगा जब हम लोग तुम्हारी पैर धोएंगे। पैर धो करके ब्रजेश्वरी गुरुवर्ग इत्यादि के चरण कमल में हम लोग प्रणाम करेंगे, या ब्रजेश्वरी गुरुवर को प्रणाम करके रंधनशाला में प्रवेश कर रसोई पर श्री कृष्ण के प्रति कटाक्ष पात करते करते मुझे सुख सागर में निमग्न कर। देखिए सब समय सब अवस्था में अपने प्यारे का स्मरण, हाथ से काम हो और मन से भगवान का स्मरण हो, प्रिया जी सिखला रहे। आचार चरण आवेश में है प्रिया जी की सेवा में, और उनका स्मरण इतना गाढ़ है कि वो लीला उपस्थित हो जाता है। उनको ये नहीं पता चलता है कि यह स्मरण का लीला है, ऐसा गाढ़ चिंतन है कि लगता है कि वह लीला प्रकट हो गई। सचमुच प्रिया जी रंधनशाला में श्याम सुंदर के लिए रंधन कर रही हूँ, ऐसा हो जाता है। और किंकरियां जब प्रिया जी आती हैं रंधनशाला में तो रंधनशाला लायक वस्त्र पहनती हैं। प्रिया जी का वस्त्र भी रसोई घर का अलग वस्त्र। आचार चरण उस लीला का स्मरण कर रहे हैं। ब्रज के मुकुट राधा कुंड के तट पर बैठ करके सारे संसार की अभिनिवेश को छोड़ दिए। शास्त्र में कहा गया है कि दीक्षा के बाद पुनर्जन्म लेता है, मर जाते। दीक्षा का अर्थ ही होता है कि जो पहले था वो नष्ट हो, नया सीरियल से जीवन चलता, नया जन्म। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपने सारे दैहिक संबंधों को त्याग दिए और रात दिन अखंड स्वरूपा वेश चल रहा है। मैं प्रिया जी का बस, मैं राधा रानी की किंकरी हूँ, इस भाव से सेवा कर रहे हैं। और अपने स्वामी की सेवा जब नहीं मिलती है तो विरहानल में तड़पते रहते, आस्वादन करते रहते, और प्रिया जी की करुणा की तरफ बार बार दृष्टिपात करते हैं कि जरूर मुझ अनाथ अभागिन दासी पर प्रिया जी की कृपा होगी और मैं उस रस में निमग्न हूँ। और उनकी करुणा से क्या कभी मैं इस संसार सिंधु को पार करके उस नित्य लीला में प्रवेश कर पाऊंगी। ये आचार चरण की उत्कंठा है, चाह है, और उसी उत्कंठा में दासी का काम है प्रिया जी की सेवा करना। आशी दासी गुण राधा और चरण में दासियां आती हैं और आकर के प्रिया जी के पाद प्रक्षालन करती, ठंडा ठंडा जल से पैर धोती। देखिए पैर भी धोने की मंजरियों के पास एक कला है, कैसे पैर धोए जाते। प्रिया जी का पाद प्रक्षालन करती हैं, अति सुकोमल चरण कमल को बहुत धीरे धीरे कर धोती है।
और धोने के बाद अपने चोटी से प्रिया जी के पैर को पोंछ दिया। प्रत्येक अंगुलियों में पानी न रह जाए इसलिए केस से पोंछती है। रोहिणी इत्यादि जो प्रमुख प्रौढ़ नायिका हैं मातृवर्ग गुरुवर्ग इत्यादि उनके आदेश से रंगशाला में प्रवेश करती है और उस समय जो जो इच्छा है प्रिया जी को बनाने की, पहले रोहिणी जी पूछती हैं कि क्या बनाया जाए, शर्मा जाती हैं किशोरी जी। तो स्वयं रोहिणी जी और यशोदा जी पाकशाला में जो जो वस्तु चाहिए सब देती। रोहिणी जी आकर के राधा रानी से कहती हैं कि हे वत्से, तुम रंधन कार्य में अति सुचतुर हो, तुम्हारे मन में जो आए अपने अनुरूप पाक बनाना प्यारे श्याम सुंदर को। यह सुनकर के प्रिया जी लज्जा के मारे झुक जाती हैं, हमारे सुचतुर करती हैं। तो रोहिणी देवी उनके बड़े प्यार से शुभ वस्त्र से उनके मुख पर श्रम बिंदु है उसको पूछती हैं और खूब सुंदर सिंहासन पर बैठाती है। भोजन बनाने का पीढ़ा जो होता है उस पर चौकी पर बैठाती है और जो सुगंधित लकड़ी है देवदार चीड़ इत्यादि उन लकड़ी को जला करके प्रिया जी भोजन बनाती। श्री राधा रंधन के लिए बैठ गई हैं, चूल्हे के आगे आग जल रहा है, कभी ये देखती हैं कि आग बुझ न जाए और चूल्हे पर बहुत से चावल दाल रोटी सब्जी कढ़ी पकौड़ी जो भी बन रहा है उसको सुसज्जित रूप से देख रहे हैं और पीछे मंजरियां प्रिया जी की सेवा में है, सहायक में है, क्या क्या चाहिए वो ला करके देती है। इनका कैसा सुंदर शरीर है, कृष्ण भावनान्वित में कहते हैं त्रिवली कुच शुभा कंप लोचने शुभा दिजस्त है। प्रिया जी जब कलछुल चलाती हैं तो उनका अंग दिखता है। श्याम सुंदर खिड़की से कुंज रंध्र से प्रिया जी के उस रूप छटा का दर्शन करते हैं। इधर मैया यशोदा प्यारे श्याम सुंदर को कहती है कि लाला तुम भी थोड़ा स्नान कर लो और पूजा पाठ कर लो, अरे भोजन करना है तो भोजन के पहले थोड़ा भजन करना चाहिए। तो यशोदा जी कहती है स्नान इत्यादि कर लो और नंद महाराज के जो इष्ट देव नारायण हैं उनके पास यशोदा जी भेजती हैं कि जाओ जाकर के थोड़ा एक अगरबत्ती तो दिखा लो, आरती पूजा कर। तो मैया की बात सुन करके कृष्ण का दीक्षा भी करवाए थे फागुनी ऋषि थे नंद बाबा के कुल पुरोहित फागुनी ऋषि, उनसे श्री कृष्ण को मंत्र भी मिला था और कहे जाकर के मैया यशोदा कही कि जाओ गोपाल जाओ मंदिर में भजन कक्ष में जाकर अपने इष्ट मंत्र का थोड़ा जप कर। तो मैया यशोदा की बात मान करके प्यारे श्याम सुंदर मंदिर में गए और मंदिर में जाकर के बैठ और बैठ करके सोचने लगे कि मैं किसका भजन करूं और किसको भजन करूं, सारा दुनिया तो मेरा भजन करता है और हमसे बड़ा तो कोई है नहीं, मैं आराधना करूं किसकी। भगवान कृष्ण सोच रहे हैं मैया कही है मंत्र जपने के लिए मैं कौन सा मंत्र दूं। चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है कि आमा है के बूढ़ी बड़ो जगते असंभव, इस संसार में हमसे बड़ा तो कोई है नहीं। अब भजन किया जाता है अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का तो मैं किसकी आराधना करूं। तो एकली राधा दे तहा करी अब श्याम सुंदर के मन में आया कि एकमात्र प्रिया जी को छोड़कर हमसे बड़ा दुनिया तो कोई नहीं। राधा रस सुधा निधि में लिखा गया है कभी कभी भगवान का भी भगत लोग महात्मा लोग भजन करते हैं तो भगवान का भी मन करता हम भी थोड़ा भजन। तो हम भजन क्या करें, किसका ध्यान करें, किसका चिंतन करें, किसका नाम जप करें।
राजा रस सुधा निधि में लिखा गया है, कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो जोगिंद्रवत जत पदम। जमुना जी के तट पर जाकर के कुंज मंदिर में श्याम सुंदर जोगियों जैसा पहले बैठ जाते, जोगियों जैसे बैठ करके ध्यान करते, ज्योतिर ध्यान परह सदा जपति जा प्रेमास्तु पूर्णो हरि। जोगियों जैसा बैठ करके ध्यान करते हैं। अब ध्यान किसका करे, कृष्ण किसका भजन करते, तो केना प्याद्भुत मुद्गल रस गतिम, कोई अद्भुत रस की गति है जिस अपने रस गुण के द्वारा हमारे जैसे जगत मोहन श्री कृष्ण को भी मोहन करने वाली है। अब उसका विचार करते हैं, सारा धेति सदा हृदय स्पिरत में विद्या पराद्वैक्षरा। प्यारे श्याम सुंदर जोगियों जैसा बैठ करके एक अद्भुत ज्योति पुंज का ध्यान करते हैं। वह ज्योति पुंज कौन है? सारा धेति सदा हृदय स्फिरत में विद्या पराद्वैक्षरा। एक परा विद्या है जिसका नाम है रा और था। तो श्याम सुंदर बैठ करके राधा रानी के चरण कमल का ध्यान जोगी वही यहाँ पर कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण गए और जा करके सोचने लगे कि मैं किसका ध्यान करूं, तो राधा रानी का ध्यान। जैसे राधा रानी सतत श्याम नाम का कीर्तन करती रहती है, हमेशा कृष्ण का नाम जप करती रहती है सदैव, कहीं से भी प्रिया जी के कान में कृष्ण श्याम नाम आते ही प्रिया जी चंचल हो जाती है। सभी केवा सुनाई लो श्याम नाम, काने लो भीतर दिया मरम पेशी लो आकुल करी लो मोर पान। चंडीदास कहते हैं कि जब प्रिया जी के कान में श्याम नाम श्रवण होता है, तो सुनाई देता है, प्रिया जी घबरा जाती है, कौन कौन, यह अमृत का पुंज हमारे कान में कौन डाल दिया, राधा नाम हमारे कान में प्रवेश करके हमारे इंद्रियों को मथ दिया। उसी तरह श्याम सुंदर भी कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो जोगिंद्रवत जप कदम। श्याम सुंदर मैया यशोदा जी के कहने पर मंदिर में जाते हैं और जा करके प्रिया जी के चरण कमल का ध्यान करते हैं, जिनके चरण के रज से अनंत अनंत विश्व ब्रह्मांड निकलता है। वो ज्योति कुंज द्वैक्षरा विद्या परा विद्या जो रा और धा है राधा शब्द, उसका श्याम सुंदर ध्यान करते हैं। सखी राधा नाम केवा सुनाएगा, सुनी मोर प्राण जुड़ाई। देखिए जैसे प्रिया जी श्याम नाम को सुन करके आनंदातिरेक में उन्मत्त हो जाती है, ठीक उसी तरह यहाँ श्याम सुंदर भी राधा राधा शब्द का सुनते ही उनका मान प्राण कांपने लगता है। वही नाम आछे की माधुरी श्रवण रही लो सुधा भरी सखी क्या बताऊं। श्याम सुंदर कहते हैं कि राधा नाम में न जाने कितनी भारी माधुरिमा है, जिसको सुनते सुनते भी यह कान अघाता नहीं और सुने, जितना मन सुनते है उतना सुनने की इच्छा। जो कि विदर्भ माधव नाटक में लिखा गया है कि राधा रानी जब श्याम नाम सुनती हैं तो मन में अभिलाषा होता है कि कर्ण क्रोटक डंगनिम घटैते कर्णम बुदे व्यस्त। श्याम नाम सुनते मन में आता है कि करोड़ों कान हो जाए तो राधा 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 सुंदर, ऐसा श्याम सुंदर की मन में द्वैक्षरा। इस संसार में बहुत नाम है, गोकुल में भी बहुत नाम है, कत नाम आछे गोकुले हिन हिया ना करया कोले। इस संसार में बहुत नाम है लेकिन कोई नाम हमारे चित्त को आकर्षित नहीं करता है।
ये हमारे मान प्राण सबको खींच लेता है, ये राधा नाम। चित नित मूर्ति विकास आमिया सबोर जिनवास, देखते नरन लागे साहब ये जब नंदन मन था। राधा नाम सुन करके राधा रानी की ओर आकर्षित हुए। भाई जी का पद है, राधा से भी लगता मुझको अधिक प्रिय श्री राधा नाम। कि भगवान का नाम भगवान से भी अधिक आकर्षित करता है, कृष्ण से भी अधिक मधुरिमा कृष्ण के नाम में, भगवान के नाम। इसलिए जड़ चेतन सबको आकर्षित करता है, ठाकुर जी का नाम सब। राधा रानी को कृष्ण नाम आकर्षित करता है और कृष्ण को राधा नाम आकर्षित करता है। श्री गौरांग महाप्रभु महाभाव के उन्मत्त अवस्था माधना के भाव में आते थे तो उनको कोई संभाल नहीं पाते थे। उनको संभालने के एक ही मंत्र था, वह कृष्ण नाम। राधा भाव विभावित जब गौरांग महाप्रभु को माधना के भाव आता था तो उस समय कृष्ण महाप्रभु कोई कंट्रोल नहीं कर पाते, वही राधा 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 करके कृष्ण 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 यह शब्द लेते ही जोश लेते थे। यहाँ श्याम सुंदर की भी यही स्थिति हो गई है। यशोदा मैया कहती है जाओ पूजा करो, कुछ इष्ट मंत्र जप करो, तो प्यारे श्याम सुंदर आंख मूंद करके प्रिया जी के चरण कमल का ध्यान करते हैं। ध्यान करके उनका मन नहीं लग रहा है क्योंकि ठाकुर राधा रानी कुंज में रसोई घर में सेवा कर रहे हैं, रसोई बना रहे हैं। तो श्याम सुंदर जल्दी जल्दी पूजा करके खिड़की से प्रिया जी के श्री अंग का दर्शन, मुख का दर्शन। अरे भैया वो आंख क्या मुदना है, जब भगवान सामने खड़े हो तो आंख मत कर क्या ध्यान कर। श्री कृष्ण तो मैया यशोदा की बात को मान करके मंदिर में गए और राधा रानी का चरण का ध्यान कर, फिर मन में आ गया क्या ध्यान करना है, देखिए तो यहाँ पर हैं रसोई घर में सेवा कर रही हैं, मैं आंख मत करूंगा ध्यान। तो श्याम सुंदर आए और खिड़की से प्रिया जी रसोई कार्य में जो निपुणता है देख रहे, पसीना चल रहा है, सखी मंजरिया पंखा कर रही है, कोई गर्मी पसीना को पोंछ रही है। और उसी समय श्याम सुंदर प्रिया जी का दर्शन किया, दर्शन करते प्यारे श्याम सुंदर बेहोश। अरे भगवान को बेहोश करने वाला कौन है इस जगत में। विद्यापति जी का एक पद है, राधा रानी के रूप को देख करके कृष्ण को क्या कहते हैं, चांद सार लय मुख घटना कर। कृष्ण मन में विचार कर रहे हैं कि श्री कृष्ण का देखिए विचार, मन में विचार है कि विधाता लगता है कि उसके पास जितना कारीगरी था वो सब राधा रानी के अंग में लगा, अब उसका खजाना खाली हो। जितना सौंदर्य भाई कृष्ण है, जगत मोहन सारे संसार के चित्त को मोहित करने वाले श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण के भी चित्त को मोहन करने वाले इस जगत में कौन है, राधा रानी। तो श्री कृष्ण कहते हैं चांद सार लय, चंद्रमा के साथ चंद्रमा को मत करके उसका सार निकाले, कौन निकाला विधाता, चांद सार लय मुख घटना, चंद्रमा के सार को निकाल करके प्रिया जी के मुख का निर्माण किया, मुख का तेज। तभी तो श्री कृष्ण कहते हमारा आंख जब प्रिया जी के मुखमंडल को दर्शन किया तो वही चिपक गया, अब वहां से हटना चाहता नहीं। अब कृष्ण के मन में होता है कि रे विधाता तुम कैसा है, हमको दो नेत्र दिया। कृष्ण के मन में ऐसा उल्लास हो गया कि करोड़ों नेत्र हो जाता प्रिया जी के इस रूप माधुरी का दर्शन करते रहते। श्याम सुंदर के मन में ऐसी उत्कंठा जग गई, लोचन चकित चकोर, ये हमारा नेत्र चकोर चंद्रमा को, जैसे चंद्र चकोर को, चकोर चंद्रमा को देख कर स्तंभित हो जाता है, देखता रहता है, वैसे कृष्ण का नेत्र आज चकोर बन गया है और प्रिया जी के मुख कमल को देख करके चिपक गया।
अब श्री कृष्ण का मन नेत्र कहीं इधर उधर नहीं जा रहा, प्रिया जी का दर्शन कैसे इसका निर्माण किया है तो कहे अमीय ध्योय, एक तो चंद्रमा का सार से मुख बनाया गया और ऊपर से अमृत को धो दी, अमृत से धोया गया है। जैसे लोग स्नान करते हैं तो प्रिया जी स्नान किसे की है तो अमीय ध्योय आचर धनी पोछर, अमृत से स्नान करके और अपने आंचल से मुख को पोछे, 10 दिन भेल हो। चंद्रमा का प्रकाश तो आधा ही पक्ष अंजोर, आधा ही पक्ष को अंजोर करता है, अर्थात 15 दिन अंधेरा रहता है 15 दिन, लेकिन प्रिया जी का ये चंद्र मुख है कि 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रहा है। श्याम सुंदर का मन लुप्त हो गया। अब श्याम सुंदर विचार कर रहे हैं कामनी कौन गढ़ल, इस राधा रानी को आखिर बनाया कौन, कौन बनाया, ब्रह्मा में तो इतनी ताकत नहीं है, प्रिया जी के उनको बनाया, लेकिन बनाया कौन, अब श्याम सुंदर सोचे कौन गढ़ल, तो कौन बनाया प्रिया जी के, रूप स्वरूप हम कहयन बारिये, स्वरूप प्रिया जी का जो रूप है इसका मैं वर्णन कर ही नहीं सकता, कहिए नहीं, घिरा अनयन नयन बिनु बानी, आंख के पास वाणी नहीं और वाणी के पास आंख नहीं, तो प्रिया जी के रूप का वर्णन भला कौन कर सकता है। श्याम सुंदर के मन में श्याम सुंदर गायक कौन है तो धीर ललित नायक नायक है, इनके समान जगत में कोई वक्ता नहीं, कर्ता वक्ता अभिरक्षिता, भागवत में भगवान श्री कृष्ण को वह भगवान श्री कृष्ण प्रिया जी के रूप को देख करके स्तंभित हो गए और मन में विचार करने लगे कि अब हमारे बस की बात नहीं है इस रूप का वर्णन करने की, रूप स्वरूप कहिए नहीं पारिए लोचन लग रहे, अब आंख चिपक गया, वो आंख वहां से हट नहीं जा, कैसा इनका श्री अंग है प्रिया जी का वर्णन करते हैं विद्यापति, गुरु नितंब भरे चलयन पार, देखिए श्री अंग का वर्णन श्याम सुंदर कर रहे हैं, ज्योति ध्यान जैसे कर रहे हैं प्रिया जी, गुरु नितंब उनका नितंब भारी है इसके कारण राधा रानी चल नहीं पा रहे, चले नहीं पा रहे, माचाई फीन नहीं मारे, नितंब भारी है और कमर बिल्कुल पतला है, ऐसा पतला है कि लगता है कि टूट जाएगा, भंग जायत मनसिज धरि राखलि त्रिवलि लता उड़ जाए, अब उसकी रक्षा करने के लिए प्रिया जी का जो पेट है तो उसमें त्रिवली रेखा, स्निग्ध कुंचित कोमलम कचगंध मंडित कोमलम, त्रिवली रेखा जो प्रिया जी का जो पेट है तो विधाता ने त्रिवली रेखा इसलिए किया है कि वह कमर कहीं टूट न जाए, इसलिए 3 रस्सी से बांध दिया है, त्रिवली लता उड़झाए टूटने न पाए, ये श्याम सुंदर दर्शन कर रहे हैं प्रिया जी के उस रूप का, घनई विद्यापति अद्भुत कौतुक केशव वचन स्वरूपे, विद्यापति जी कहते हैं अद्भुत कौतुक रूप को भला कौन वर्णन कर सकता है, सारा दुनिया वेद पुराण में प्रभु का वर्णन करते करते श्रुति उपनिषद वेद गिरिचाय नेति नेति कहकर के चुप हो जाती है, जिस श्री कृष्ण का वर्णन करते करते रूप गुण नाम माधुरी का वर्णन करते करते वेद गिरिचाय कहते बस बस नेति नेति अब इसका अंत नहीं अंत नहीं है, और वह श्री कृष्ण प्रिया जी के रूप को देख करके कहते हैं ईश्वर वचन स्वरूप, एक वाणी का विषय है, कोई श्री जी के रूप का वर्णन वाणी से कर ही नहीं सकता, श्याम सुंदर रूप नारायण ई रस जान शिव सिंह मिथिला रूप है,
जो मिथिला के भूख है राजा शिव सिंह, इस रस को वही जान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस रूप को वर्णन सुनिदा रहे ना, हरे कृष्णा हरे। जिसको नींद आ रही है समझ जाना कि हम अधिकारी नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में बैठकर इस रूप का स्वादन करते हैं। स्वादन कैसे करें, किसी को तो आधार चाहिए आस्वादन करने के लिए। तो चंडीदास विद्यापति राय राव नाटक कीर्ति कर्णामृत श्री गीत गोविंद, ये महाप्रभु का भोजन था। चैतन्य महाप्रभु रोटी दाल नहीं खाते थे, महाप्रभु क्या खाते थे? चंडीदास विद्यापति राय राव नाटक कीर्ति, ये गौरांग का भोजन था। जैसे कोई चावल दाल रसा पकौड़ा ये सब खाते है ना, खीर रसगुल्ला गुलाब जल खाते, उसी तरह गौर महाप्रभु का भोजन देखिए। चंडीदास विद्यापति राय रो नाटक गीति कर्णामृत श्री गीत गोविंद, गौर का भोजन। स्वरूप रामानंद समे महाप्रभु रात्रि दिने गाय सुने परम आनंद। जब गीत गोविंद विद्यापति का पद होने लगता था तो महाप्रभु तृप्त नहीं होते, कहने वाला एक थक कर भाग जाता था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को एक रस मिलता था, ये ऐसा रस है कि रस कभी समाप्त नहीं होता न कहीं तृप्ति होती, बढ़ता रहता है। प्यारे श्याम सुंदर भजन कक्ष में प्रिया जी का रूप का ध्यान करते, ईश्वरी जी का रूप का ध्यान करते, ध्यान करते करते श्री कृष्ण के प्राण व्याकुल हो उठते और प्रिया जी की उस रूप माधुरी के बेटे कहीं रह नहीं पाते। देखिए ये प्रज्ञा रस है, ये कितना उत्कृष्ट रस है, ये रस स्वकीय मिल ही नहीं सकता, बाधा है ना, बाधा है, भगवान चोरी से देख रहे कोई देखे ना। ये रस प्रिया जी का वेशभूषा बिल्कुल अस्त व्यस्त है, रसोई बना रही है। आग के पास बैठने के कारण उनके मुख पर श्रम बिंदु पसीना का बिंदु है, उसके कपोल पर पसीना के बिंदु है। श्याम के चार चरण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं देखते देखते, प्रिया जी के जो रूप देखे तो अब पीछे हट रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, वही स्तंभित हो गए। जैसे भागवत में